नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। बॉलीवुड एक्टर नसीरुद्दीन शाह अपने बयानों की वजह से हमेशा ही चर्चाओं में बने रहते हैं। वहीं अब वो एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में हैं। इस बार धर्म संसद बर्बाद करते हुए नसीरुद्दीन शाह ने हिंदुओं पर कुछ ऐसा कह दिया कि हर तरफ उसकी ही चर्चा की जा रही है। दरअसल नसीरुद्दीन शाह ने देश में गृह युद्ध की आशंका जता दी है। उन्होंने कहा है कि देश में सब कुछ मुस्लिमों को डराने के लिए किया जा रहा है। नसीरुद्दीन शाह का मानना है कि जो लोग मुसलमानों के नरसंहार का आह्वान कर रहे हैं वो देश में गृह युद्ध का आह्वान कर रहे हैं। नसीरुद्दीन शाह ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है। इंटरव्यू में शाह ने हरिद्वार में धर्म संसद को लेकर खूब बात की है, साथ ही मुस्लिमों को एकजुट होने की सलाह भी दी है। उन्होंने कहा है, हम 20 करोड़ लोगों के लिए ये मातृभूमि है। हम 20 करोड़ लोग यहीं के हैं। मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा है। हमें अपने बच्चों को बचाना है। मैं मजहब की बात नहीं कर रहा, ना ही कभी करता हूँ। देश में अब मजहब तो बहुत आसानी से खतरे में पड़ जाता है। अगर इस तरह का कोई अभियान शुरू होता है तो कड़ा प्रतिरोध होगा और लोगों का गुस्सा फूटेगा। नसीरुद्दीन शाह यही नहीं रुके, उन्होंने हिंदुओं पर विवादित बयान देते हुए कह दिया, देश में जब हिंदुओं की जनसंख्या ज़्यादा है, ये कैसे कहा जा रहा है कि हिंदू खतरे में है? हमें शांति से रहने दीजिए। मुझे पाकिस्तान जाने को कहने वालों से मैं कहता हूँ, तुम कैलाश क्यों नहीं चले जाते? उर्दू को पाकिस्तानी भाषा बताया जाता है। इतने सालों में राजनीति इतना नीचे कभी नहीं गिरी थी। आज भारत में जन्म लेने वाले का भविष्य क्या है, इसका पता नहीं। चाहे जितनी नफरत फैल जाए, मैं डर कर नहीं भागने वाला है। एक दूसरे के धर्म के प्रति असहिष्णुता पैदा की जा रही है। चर्च मस्जिद तोड़े जा रहे हैं। ऐसा करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। सोचिए, मंदिर के साथ ये होगा तो कैसा लगेगा? मेरे ईश्वर आपके अल्लाह से बड़े हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो सुना आपने कि नसीरुद्दीन शाह ने क्या कुछ कहा और उनका क्या कहना है। उन्होंने कहा कि धर्म के प्रति एक दूसरे को असहिष्णुता पैदा की जा रही है। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब नसीरुद्दीन शाह अपने ऐसे बयानों की वजह से चर्चा का केंद्र बने हैं। इससे पहले भी वो कई बार धर्म से जुड़े मामले पर बयान देकर सुर्खियां बटोरते रहे हैं। वैसे आपका नसीरुद्दीन शाह के इस बयान पर क्या कुछ कहना, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश की आजादी में भी कुमाऊं ने बहुत बड़ा योगदान दिया। यहां पंडित बद्रीदंत पांडे जी, उनके नेतृत्व में उत्तरायणी मेले में कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ था। साथियों, आज कुमाऊं आने का सौभाग्य मिला तो स्वाभाविक है कि आप लोगों के साथ जो मेरा पुराना नाता रहा है, जो गहरा नाता रहा है, उसकी पुरानी यादें ताजा होना बहुत स्वाभाविक है। और इतनी आत्मीयता से आपने जो आज उत्तराखंड की टोपी पहनाई है, मेरे लिए इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है। मैं इसे छोटा सम्मान नहीं मानता हूं। उत्तराखंड के गर्व के साथ मेरी भावनाएं जुड़ जाती हैं। आज यहां 17,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। ये सारे प्रोजेक्ट्स कुमाऊं के सभी साथियों को
बेहतर कनेक्टिविटी, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने वाले हैं। और मैं आपको एक और खुशखबरी आज देना चाहता हूं। हल्द्वानी वालों के लिए मैं नए साल की एक और सौगात लेकर आया हूं। हल्द्वानी शहर के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, विकास के लिए हम लगभग 2000 करोड़ रुपए की योजना लेकर आ रहे हैं। अब हल्द्वानी में पानी, सीवरेज, सड़क, पार्किंग, स्ट्रीट लाइट, सभी जगह पर अभूतपूर्व सुधार होगा। साथियों, इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए तेज गति से ऐसे ही विकास कार्यों पर, अनेक काम करने की जरूरत पर हमने जोर दिया है। और जब मैं कहता हूं कि ये उत्तराखंड का दशक है, तो ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। ये जब मैं कह रहा हूं तो उसकी बहुत सारी वजह है। उत्तराखंड के लोगों का सामर्थ्य इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएगा, ये मेरा पक्का विश्वास है। मैं इस मिट्टी की ताकत को जानता हूं दोस्तों। उत्तराखंड में बढ़ रहा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, चार धाम महापरियोजना, नए बन रहे रेल, रेल के सारे रूट्स, इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएंगे। उत्तराखंड में बन रहे नए हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, उत्तराखंड की बढ़ रही औद्योगिक क्षमता, इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएगी।